दिखा चुका है, क्या ये गिरने के लिए कि लॉकिंग पीरियड जब खुलेगा तब ये जाकर ये चीज़ें दिखाएगा? तो यहाँ पर आपको एक मजबूत किया था मैंने कि मैंने कहा भाई बैंक तो इसे गलत हुई तो कहीं ना कहीं अडानी जी फिर से आपको नंबर वन की तरफ भागते हुए दिखाई देंगे और उनके शेयरों में आपको तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। अब जाँच के थे तो पॉजिटिव चीज़ हमें ज़िंदगी भर भी समझ में नहीं आएगी सर। ये बैंकों ने इस बैंक को संभाला है, कभी ना कभी तो निकलना था जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले दिनों में होगी और जब तक कि आपको शेयर थोड़े से उजाले और थोड़े से निगेटिव असार के तरह ही मिलेगा। क्या हुआ और आपके आस पड़ोस में पता नहीं है लेकिन आपने बताया तो उनको भी खुशी हो गई, आपके रिश्तेदार में भी खुशी हो गई, चारों तरफ खुशियों को ऊपर और नीचे ले जाती है। मुझे ये सुनकर ना बहुत अच्छा सा लगा। क्यों लगा? क्योंकि मैं सारा का सारा ना फोकस न्यूज़ और साइकोलॉजी पे ही करता हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आरवीएनएल की, बात करेंगे अडानी ग्रुप की और बात करेंगे वेदांता और यस बैंक की। सर कल मेरी वीडियो में सर एक कमेंट आया, सर उसमें लिखा था कि सर जितनी भी चीज़ें सीख लो कुछ भी कर लो लेकिन एंड में ना न्यूज ही ना शेयरों को ऊपर और नीचे ले जाती है। मुझे ये सुनकर ना बहुत अच्छा सा लगा। क्यों लगा? क्योंकि मैं सारा का सारा ना फोकस न्यूज़ और साइकोलॉजी पे ही करता हूँ। मैंने हर बार कहा है कि न्यूज़ जो है हर चीज़ को बदल देती है। सर आपके घर में कोई बच्चा हुआ और आपके आस पड़ोस में पता नहीं है लेकिन आपने बताया तो उनको भी खुशी हो गई, आपके रिश्तेदार में भी खुशी हो गई, चारों तरफ खुशी हो गई, भाई अब तो पार्टी होगी या कोई शादी की खबर, ये सब न्यूज ही तो है। या आप कहीं जा रहे हैं और कुछ चीज़ आपके साथ घटित होने वाली है लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं है। जब तक के आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप मस्ती में बैठे हैं लेकिन एक पल बाद ही किसी ने कहा कि बस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ब्रेक फेल हो गए हैं, तो आप उसी टाइम घबरा जाओगे, डर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके कानों तक एक ऐसी बैड न्यूज़ घुस गई कि जिसकी वजह से आगे जाकर दुर्घटना भी हो सकती है। यही वो कारण है जो शेयर मार्केट में पूरी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देती है, वो होती है सर न्यूज़। हम कितने भी चार्ट के एनालाइज कर लें, कुछ कर लें, जितनी मर्जी चीज़ें कर लें, जितने मर्जी उपाय कर लें, जितने मर्जी सूत्र लगा दें, लेकिन एंड में फिर हम वेट करेंगे कि अब अडानी जी के शेयरों में कैसे रंगीनता है और अब क्या कोई क्या चीज़ करने वाला है, इसकी न्यूज़ हमें कैसे प्राप्त होए। हमारा सारा का सारा मकसद सिर्फ इसी बीच जाएगा कि हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट के अनुसार अडानी जी के शेयर इतने ज़्यादा गिर गए हैं उसके उपलक्ष में अब कोर्ट क्या कर रहा है, सेबी क्या कर रहा है या बड़े बड़े लोग अब क्या बोल रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं न्यूज़ के द्वारा हो रही हैं। मुझे कमेंट बहुत गहराई तक लगा क्योंकि कुछ लोग अब समझ रहे हैं कि न्यूज़ ही पूरे शेयर मार्केट पर राज करेगी। मैं आपको बता दूँ तो यही एक चीज़ है जिसे आपको अपने ऊपर डेवलप करना पड़ेगा और अच्छे अच्छे चैनलों की न्यूज़ को एनालाइज करके आपको आगे तक जाना पड़ेगा। अगर जब तक के आप न्यूज़ पर अच्छे से विशेष ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे सर, आगे जाकर फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं होगा क्योंकि हम उस न्यूज़ से वंचित हैं और कब उसके अंदर गिरावट हो जाएगी, कब उसके अंदर बढ़ावट हो जाएगी ये हमें पता भी नहीं लगेगा। एक बहुत बड़े सर, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वो क्या काम करते हैं, उन्होंने सिर्फ 3-4 लोगों को रखा हो इसलिए है कि न्यूज़ देख देख के उनको देते रहो, इसलिए ही उन्होंने इतने लोगों को रखा है, उनकी टीम है, बड़े लोग हैं वो, आपको पता भी होगा, वो सिर्फ न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ के बारे में उनको बताते हैं, फिर वो न्यूज़ से एनालाइज करते हैं भाई कौन से शेयर में क्या होगा और क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आपको न्यूज़ पर ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा। अडानी जी के शेयरों में 2 दिन से तेज़ी आ रही है लेकिन आज की तेज़ी एक और न्यूज़ से आई है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आज कमेटी बिठाने के लिए आदेश दे दिए हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी जी के स्टॉक क्रैश हुए हैं, उसके अंदर क्या क्या धोखाधड़ी हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और 6 सदस्यों की एक
टीम गठित करी है जिसके अंदर अब वो जांच करेंगे और जल्दी से जल्दी देखेंगे कि क्या इसके अंदर जो चीज़ें हिडनबर्ग के द्वारा उत्पन्न की गई थी वो वाकई में सही है या गलत है। देखो सर, अगर वो चीज़ें गलत हुई तो कहीं ना कहीं अडानी जी फिर से आपको नंबर वन की तरफ भागते हुए दिखाई देंगे और उनके शेयरों में आपको तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। अब जांच के दायरे में कमेटी बिठा दी गई है और इसके अंदर से जो निवेशक है उनको भी बड़ी तसल्ली मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये निष्पक्ष जांच होगी और देखा जाएगा कि भाई जो चीज़ें हिडनबर्ग ने की है वो सब कुछ वैसा ही है जैसे उसने की है या वैसा नहीं है जैसे उसने नहीं की है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर निवेशकों को तसल्ली से बैठना चाहिए। इसके अंदर अब कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। कोर्ट ने सेबी को भी कहा है कि वो हिडनबर्ग और अडानी जी के बीच के जो मसले हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पूरी करें और बताए कि ये क्या क्या चीज़ें हो गई है। यानी कि अब 2 महीने सेबी को भी इसके अंदर दिए गए हैं। ये मसले उतार और चढ़ाव से शेयर मार्केट में आपको 2 से 3 महीने और विलम्ब करना पड़ेगा और फिर इसके अंदर जो कमेटी बिठाई गई है उसके अंदर देखा जाएगा कि क्या ये चीज़ें निकल कर आती है। तो ये एक बढ़िया न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन ये आपको तब और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब ये अडानी जी इससे मुक्त हो जाएंगे, यानी कि वो पाक साफ हो जाएंगे। और जहां अडानी जी पाक साफ कोर्ट के द्वारा हुए, सेबी के द्वारा हुए, तो आपको इसके अंदर बढ़िया ही तेज़ी के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो अडानी विल्मर हो, अडानी ग्रीन हो, इनके कोई से भी शेयर हो। तो अब आपको विलम्ब करना है, देखना है कि जिस तरीके से जांच लंबी होती जाएगी या छोटी होती जाएगी उसके अंदर क्या क्या पहलू निकल कर आते हैं। ये सारे के सारे अब आपको न्यूज़ के द्वारा देखने को मिलेंगे। तो न्यूज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पर भी होती हुई जा रही है, आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो अडानी जी के शेयरों में जिनके पास है उनको तो विलम्ब वेट करना पड़ेगा। और मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, एक व्यक्ति कह रहा है सर कि आपको अडानी ग्रुप के शेयरों के ना निगेटिव बोल रहे हो, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि वीडियो देखने वाले समझते नहीं। मैंने कहा है कि हाल ही की स्थिति जिससे हिडनबर्ग से जब 85 तक के शेयर गिर गए हैं तो शेयर तो गिरे हैं ना, पैसे तो हमारे कम हुए हैं। मैंने कहा कि नई एंट्री हमें नहीं करनी चाहिए जब तक कि कुछ चीज़ें निकल कर सामने, और जिनके पास है उन्हें तो होल्ड करना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अडानी जी के शेयरों में यानी उनकी कंपनियों में काम तो चल रहा है ना। जब अडानी जी के हर एक कंपनी में काम चल रहा है तो ये सिर्फ आपको न्यूज बेस शेयर गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो ये चीज़ें मैंने सिखाई है कि भाई हम न्यूज के चक्कर में हम क्यों फंस जाएं, फिर हम क्यों अपने लॉस को ज़्यादा ले लें। ये भी मैंने आपको, इसलिए मैंने कहा था कि आपको अडानी जी के शेयरों में होल्ड करना चाहिए। और बड़े बड़े लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई अडानी जी के शेयरों से हमें दूर रहना चाहिए। तो फिर जो मैं कह रहा हूँ सर उसको थोड़ा सा समझिए, देखिए कि कहीं ना कहीं इसके अंदर हम बच रहे हैं। अगर हम पहले एंट्री ज़्यादा अडानी जी के शेयरों में कर लेते तो जो जितनी गिरावट हुई है उसमें भी तो फिर हमें नुकसान होता। तो हर स्थिति को आपको जाँच लेनी चाहिए। और अब न्यूज के सिलसिले फिर से अडानी जी के उसमें कंपनी में शुरू होने वाले हैं, ये आपको देख कर चलना पड़ेगा। वेदांता में जहाँ इतनी ज़्यादा गिरावट आई, और ये मैंने आपको पहले ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट S&P की रिपोर्ट के अनुसार बताया था, जिस तरीके से $2 अरब की आवश्यकता वेदांता को है अपने कर्ज को कम करने के लिए, और जिस तरीके से साल के अंत में उनके जो ऋण पूरे होने वाले हैं उसका जो भी पैसा दिया जाएगा उसकी चिंता जो है वेदांता ग्रुप का है, और इसे देखते ही रेटिंग के दबाव में कहीं ना कहीं वेदांता ना आ जाए। लेकिन एक न्यूज़ कल जो निकल कर आई है कि उन्होंने कहा था कि $2 अरब को जुटाने की क्षमता को पूरा करने के लिए वो सक्षम है। इस न्यूज़ ने कल आपको वेदांता में 4 चांद लगाते हुए दिखाई दिए और उसके अंदर कहीं ना कहीं तेज़ी आई। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप किसी कार्य को करने वाले हो और आपने उसके बारे में बोल दिया कि भाई मैं अपना कर्जा उतारूंगा, तो हो सकता है उस टाइम आपके घर वाले जिनको कर्ज मिलेगा वो खुश हो जाएं, या आपसे जो जुड़े हुए वो भी खुश हो जाए, भाई कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन इस काम को पूरा भी तो होना पड़ेगा ना। तो जिस तरीके से वेदांता ने कह दिया कि $2 अरब वो सक्षम है, पूरा कर लेंगे इसे जुटाने में, तो वो हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 4 महीने बाद ये काम हो। तब तक तो आपको थोड़ी सी निगेटिव चीज़ वेदांता पे देख लेनी चाहिए सर। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि वेदांता अपने कर्जे को उतारने के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिंक की जो उसका व्यापार है उसको बेचना चाह रहा था हिंदुस्तान जिंक को, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि सरकार जिस तरीके से हिंदुस्तान जिंक में 30% का हिस्सेदारी लेकर बैठी है वो इसका विरोध करेगी। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी।
की थी। और जब सरकार ही विरोध करेगी, जब उसके अंदर मीटिंग में ये चीज़ें बैठी जाएंगी, सरकार भी उसके अंदर बैठेंगे, तो वो जब विरोधी करेंगे तो कैसे वेदांता अपनी ये चीज़ों को सेल करेगा, ये भी आपको समझने का मसला है। तो अब वेदांता किस तरीके से सरकार को मनाएगा या अलग तरीके से कैसे वो अपने जो अंतर्राष्ट्रीय जिंक है उसके बिजनेस को कैसे हिंदुस्तान जिंक को बेचेगा, या वो किस तरीके से $2 अरब जुटाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले दिनों में होगी। और जब तक कि आपको शेयर थोड़े से उजाले और थोड़े से निगेटिव असार के तरह ही मिलेगा। देखो सर, आपको शेयर के काम को समझ लेना चाहिए कि कंपनी काम क्या कर रही है। ये चीज़ें पैसा जुटाना ना जुटाना, ये ज़िंदगी भर हर शेयर के साथ चलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में कर्जे हैं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। लेकिन कर्जों का मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है। कंपनी कर्ज इसलिए उठाती है कि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाए। लेकिन जिस तरीके से फिर न्यूज के द्वारा या फिर साल में जिस तरीके से पैसा देना होता है, जब भी देना होता है, तो वो भी न्यूज़ निकल निकल कर आएंगी कि भैया वेदांता के पास पैसा ही नहीं है, फिर आप घबरा जाओगे, आप बेच के निकल जाओगे। तो कहीं ना कहीं वेदांता के शेयर में सिर्फ लेने के बाद होल्ड बनता है। और क्योंकि ये निगेटिव चीज़ में चल ही रहा है, और अभी तो मेटल सेक्टर में आपको वैसे भी गिरावट देखने को ही मिल रही है, तो हो सकता है कि दूर की जो हमें चीज़ें दिख रही है वो फिलहाल अभी निगेटिव हो। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से वेदांता फिर पैसा जुटाएगा उस पर ध्यान केंद्रित है, उसके द्वारा इसकी जो रेटिंग है उसमें भी चीज़ें निकल कर आएंगी। तो ये सारी चीज़ें अभी वेदांता में थोड़ी सी गिरावट के आसार आपको देखने चाहिए, जब तक कि सरकार कह रही है कि हम इसे बेचने नहीं देंगे, तो ये भी आपको समझ कर सर चलना पड़ेगा। रेल विकास निगम यानी कि RVNL में आज आपको बड़ी तेजी के संकेत देखने को मिले हैं सर। इसके अंदर भी एक न्यूज ने इफेक्ट डाल दिया है, जहाँ इसको मैंने 65 रुपये कहा था, फिर इसको मैंने कहा था कि भाई ये 55 रुपये तक भी आ सकता है, बढ़ता जाएगा, तो वहाँ तक के तो ये बढ़ ही रहा था सर, 57 तक तो करीब ये शेयर आया ही है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मैंने कहा था कि जब भी रेल बजट में यानी कि रेल के लिए ज़्यादा वर्क होगा तो ये ज़्यादा उसके लिए काम करेगा, चाहे वो पुलों के लिए हो, चाहे वो दोहरीकरण के लिए हो, चाहे वो रेलवे के विद्युतीकरण के लिए हो, सारी चीज़ों की मंशा पूरा करने के लिए RVNL आगे से आगे आएगा। जहां एक न्यूज़ निकल कर आई थी जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के लिए 58,000 करोड़ रुपए की एक बोली लगाने के लिए कई कंपनियां आपस में मिलकर बोली लगा रही थी, उसके अंदर आपको RVNL भी शामिल होता हुआ दिखाई दिया था। यही है इसका एक टीगर पॉइंट है, जिसके अंदर 200 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए RVNL सबसे कम बोली लगाने वालों में उभरा है। यानी कि जो दूसरी कंपनी 128 करोड़ में या अलग अलग कितनी चीज़ों में करेगी, तो ये 120 करोड़ रुपए में ये वंदे भारत ट्रेन के लिए वर्क करेगा। तो ये सबसे कम बोली लगाने वाला बीडर में निकल कर आया है। तो कहीं ना कहीं अब आपको देख लेना चाहिए कि आगे जाकर जिस तरीके से ये काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वंदे भारत ट्रेन में इसका एक नाम जुड़ता जा रहा है। और दूसरे तरफ आपको दूसरे नंबर पे भेल निकल कर आया है, लेकिन भेल को भी अलग जो कुछ नई परियोजना होगी उसके लिए भी वो भी रखा गया है। तो वहाँ पर भी भेल भी अभी वंदे भारत ट्रेन के लिए थोड़े से सेकेंड नंबर पर है, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा रखा गया कि वो भी आगे कर ये काम कर सकता है। तो यहां पर RVNL एक बहुत तेजी के साथ उभरा है सर, जिसने सबसे कम बोली लगाई है। और आज आपको इतनी तेजी के संकेत है कि ये चीज आपको निगेटिव देख लेनी चाहिए, पॉजिटिव देख लेनी चाहिए। सर देखो, इसने सबसे कम बोली लगाई है, तो अब जब ये आगे जाकर अलग तरीके से इसको कितनी चीज़ें करने के लिए दी जाएगी, इस पर अब डिपेंड रहेगा भाई वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए क्या और बीडर भी आएंगे या कम बोली लगाने वाले को ये सारी चीज़ें दी जाएगी। तो ये भी आगे जाकर एक मसला सा बन जाएगा। यहाँ पर RVNL एक ये चीज़ पर सबसे बेस्ट निकल गया है कि इसने सबसे कम बोली लगाकर इस चीज़ को हासिल करने की पूरी मंशा को झोंक दिया है, और आगे जाकर वंदे भारत ट्रेन और भी बनाई जाएगी, तो उसके अंदर इसका रास्ता साफ हो गया RVNL का। तो इस शेयर को मैंने पहले कहा था कि लंबे समय के लिए, और ये एकदम से 90-80 आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन लंबे समय के लिए एक ऐसा शेयर है जो रेलवे की काया पलटने के लिए और वंदे भारत को पटरियों में दौड़ाने के लिए ये वर्क करेगा। उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट काम करने के लिए निकल गया है, और 58,000 करोड़ रुपये की एक जो पहले बोली थी उसके तहत ही ये काम हो रहा है, जिसके अंदर कई कंपनी आपस में मिलकर ये बोलियां लगा रही थी, जिसमें भेल भी है, BEML भी है, और आपका RVNL भी है। तो सारी चीज़ों को आपको अपने अनुसार देखना चाहिए कि यहाँ पर एक RVNL ने अच्छी दिशा दिखा दी, लेकिन ये नहीं कि ये दिशा आपको तेजी के संकेत से और तेजी के साथ दिखाएगा। ये कम से कम सर मैं अभी भी बता रहा हूँ 2 से 3 साल का काम है,
इसके अंदर आपको अपना दिमाग लगाना है कि भाई इसने एक चीज़ जीत ली है ये, तो अगर आपको ये समझ में आए तो एक कोने पे लिख दो कि आरबीएनएल ने सबसे कम बोली लगाई है, तो यहाँ पर आप मजबूत हो जाएंगे इस चीज़ से कि भाई हाँ ये आगे जाकर कुछ अच्छा वर्क कर सकता है। तो ध्यान रखना सर, आरबीएनएल ने बहुत बेस्ट काम कर दिया जिसने सबसे कम बोली लगाकर हमारा तो डील जीत ही लिया है। हम तो पहले से इसके अंदर पॉजिटिव हैं, लेकिन शेयर प्राइस थोड़े से निगेटिव है सर, आपको आगे भी दिखा सकता है, लेकिन आगे जाकर इसका काम बढ़ने वाला है। बस आपको ये समझकर इसे अपने पोर्टफोलियो में सजाना चाहिए। इस शेयर से सर जल्दी पैसे कमाने की तमन्ना मत रखना, क्योंकि ये वो काम कर रहा है जो हमारे सपना देश का है और हमारे मोदी जी का है, तो उसके लिए वर्क कर रहा है ये। तो जब ऐसे शेयर हो जाते हैं तो उसके अंदर ना गिरावट उछाल फिर एक मायने नहीं रखती, हमारी जो क्या टारगेट है इससे हमें कितने पैसे इससे आगे तक इसे हमें देखना है तो वो ज़्यादा मायने है। तो इसका काम को देखकर से आगे तक के ले जाने चाहिए सर। कल एक वीडियो मैंने आपके लिए यस बैंक पे बनाई थी, मैंने कहा यस बैंक जो 3 दिन से 15% की तेज़ी दिखा चुका है, क्या ये गिरने के लिए कि लॉकिंग पीरियड जब खुलेगा तब ये जाकर ये चीज़ें दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको एक मजबूत किया था मैंने कि मैंने कहा भाई बैंक तो इसके अंदर से अपना प्रॉफिट लेकर निकलने की मनसा बना रहे होंगे, उसके अंदर 80% तक का तो लग रहा है कि वो निकल जाएंगे भाई, 20% ना निकले उन्हें लगता है कि नहीं भाई हमें तो बने ही रहना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी कि क्या शेयर इसलिए भी तेज़ी दिखा रहा है कि वो आगे जाकर जैसे लॉकिंग पीरियड इसके नज़दीक आ रहा है तो वहाँ पर ये गिरने के आसार में आ जाएगा। तो वही आज आपको यस बैंक ने गिरावट करके दिखा दिया। एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है कि SBI जब लॉकिंग पीरियड ख़त्म होगा तो अपनी हिस्सेदारी को घटा सकता है, तो ये एक बैड न्यूज आ गया क्योंकि SBI सबसे बड़ा इसके अंदर स्टेक लेने वाला है, ने इस बैंक को अच्छी तरीके से संभाला है। पहले तो अदर बैंक जो इसके 10 रुपये के हिसाब से शेयरों को लेकर बैठे थे वो अपनी प्रॉफिट की मंशा देख रहे थे, लेकिन आज SBI का भी चीज़ आया कि वो भी निकल सकता है। तो हमें हर स्थितियों से गुजरना चाहिए कि कौन अपनी स्टेक को कितना कितना या पूरा निकालेगा या थोड़ा थोड़ा निकालेगा, तो ये भी न्यूज़ के द्वारा आगे जाकर आएगी। तो ये आपको अपने द्वारा समझ लेना चाहिए कि भाई एक तो रोग है और वो रोग इसके अंदर से कटने के लिए तैयार हो रहा है, और उससे पहले यस बैंक ने जो 15% की तेज़ी दिखाई थी आज यहाँ पर अपनी थोड़ी सी गिरावट दिखा दी, हो सकता है कि आगे जाकर भी ये गिरावट दिखाए। तो मसला तो जो है ना इसका लॉकिंग पीरियड वाला है और वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, हर न्यूज़ में आपको ये लॉकिंग पीरियड के बारे में बताया गया भाई जब बैंक निकलेंगे तो फिर इसका क्या होगा, है ना सर, जिसको संभालने वाले इसके अंदर से निकलेंगे, तो कुछ ना कुछ तो गिरावट के आसार तो अपने दिमाग में पहले बनाकर हमें रखने हैं। जब तक के हम शेयर मार्केट में ना निगेटिव चीज़ को नहीं समझते तो पॉजिटिव चीज़ हमें ज़िंदगी भर भी समझ में नहीं आएगी सर। ये बैंकों ने इस बैंक को संभाला है, कभी ना कभी तो निकलना था, 10 साल बाद निकलते अभी निकल रहे हैं, ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि भाई 10 साल बाद निकलते अभी निकल रहे हैं एक ही बात है। हमारे तरफ से तो अगर इसके हम शेयर हमारे पास है तो इसकी बुराई को भी हमें समझना चाहिए और इसकी अच्छाई को भी हमें समझना चाहिए, लेकिन अगर इसके अंदर से बैंक निकल रहे हैं संतुष्टि इस बात पे होनी चाहिए कि भाई बैंक प्रॉफिट कर रहा है और तब जाकर ये चीज़ें निकल रही हैं इसके अंदर से। अगर लॉस करके निकलते तो बहुत ही निगेटिव चीज़ इस बैंक में होती, तो अब यहाँ पर समय बन जाएगा भाई 1-2 साल हमें और देने इस बैंक में पड़ जाएंगे। तो वो गिरावट है इसके अंदर, जो लोग निवेशक सोच रहे हैं भाई 3 दिन तो जो तेज़ी दिखाई है उसका तो कम से कम प्रॉफिट बुक कर लें, तो चाहे बैंक ना प्रॉफिट बुक कर रहा है लेकिन वो निवेशक बुक कर रहे हैं जिन्होंने 3-4 दिन पहले शेयरों को खरीदा होगा और आज वो अच्छी चीज़ों के साथ निकल रहे होंगे। एक मेरे पास कमेंट आया सर, क्या मैं इसके अंदर से, मुझे ये शेयर सर 20 रुपये में सेल करना है, क्या मैं इसके अंदर से इसमें से निकल सकता हूँ? देखो सर, अगर आपको 20 में करना 22 में करना है और उसके बाद आपको निकलना है तो फिर आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हो कि ये 20 और 22 में जाएगा, जब आपको 20 में निकलना ही है तो फिर रिस्क क्यों लेना है कि ये 20 और 22 में जाएगा, जब हमें एक चीज़ दिख रही है कौन सी कि लॉकिंग पीरियड के बाद ये बैंक निकलेंगे और SBI का नाम भी आ रहा है, थोड़ी सी हिस्सेदारी वो भी घटा सकता है, तो जब हमें कुछ चीज़ दिख रही है तो फिर 20 क्या देखना सर, फिर तो अपने पैसों को बचाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मेरे पास शेयर इस हिसाब से होते कि मुझे 20 और 22 में निकलना है और मैंने 16 या 15 में ले रखा है तो मैं कब का इसके अंदर से एग्जिट कर जाता, ध्यान रखना, लेकिन मैंने तो इसके लॉन्ग टर्म के लिए शेयरों को ले रखा है। अगर आपके अंदर भी ये मनसा है कि भाई आपको 20 या 22 में निकलना है, हो सकता है वहाँ ना जाइए, वहीं से वापस तरफ से नीचे आ जाइए 14-15 में आ जाए, तो फिर क्या होगा,
तो जब चीज़ हमें निगेटिव दिख जाती है तो उसके हल करने की मंशा भी अपने दिमाग में बनाकर चलनी चाहिए सर। तो ध्यान रखना कि आज की जो गिरावट है सिर्फ लॉकिंग पीरियड के हिसाब से, जो लोग 3 दिन पहले अपने प्रॉफिट को देख रहे हैं वो भी हो सकती है, और जहां आपको इसके अंदर लॉकिंग पीरियड ज़्यादा फोकस देख रहा है वहां पर काफ़ी लोग डरे हुए भी हैं। अब ये देखना है कि इसके बाद होता क्या है। तो हर चीज़ को, स्थिति को हमें झेलना चाहिए। न्यूज ही सब कुछ बदल देगी, और वहीं पर न्यूज बदलने के लिए तैयार हो रही है अडानी ग्रुप को, जिसके अंदर अब जाँच कमेटी बिठाई जा रही है, सेबी 2 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ये भी अब आपका मसला 2 से 3 महीने का बन गया है। RVNL की किस्मत एक न्यूज़ ने बदल दी, इसके अंदर वो सबसे कम बोली लगाने वाला वंदे भारत ट्रेन को बनाने वाला उभरा है। ये भी एक अच्छी न्यूज है। वेदांता को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो उसके अंदर होल्ड बन रहा है, और अगर आपको जल्दबाजी में इस शेयर से पैसा बनाना है तो जल्दी से ये पैसा बनाकर नहीं देगा, क्योंकि इसको अब पैसों की जरूरत है। इस पैसों को पूरा करने के लिए ये कहां से पैसे जुटाता है, ये भी एक विषय इसके अंदर बन जाएगा। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।